आज मैं हमारी मम्मी का घर गई और मम्मी ने बहुत ही चटपटो और टेस्टी बैगन को भरतो का तरीका से बनाकर खिलाया। तो तुम जब तक बैगन मिलेगा बड़ा वाला तब तक रोज बना बना कर खाएगा, और तुम्हारा घर में अगर एक बार बनेगा तो पूरा परिवार ही को बार बार बनवा के खाएगा। इतने चटपटो और झटपट से बन जाएगा तो हम चूल्हा पे बनाएंगे आज बैगन का भरता। तो वीडियो एंड तक देख जो, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कर जो, शेयर कर जो, लाइक कर जो। और डिलीशियस टेस्टी टेस्टी बैगन आलू का भरता बनाएंगे हम। और यह बैगन आलू का भरता एकदम मेरे तरीके से बना कर देख जो, बहुत ही मज़े को लगेगा। तो मज़ेदार के साथ साथ टेस्टी भी लगेगा, हेल्दी भी रहेगा। तो कल ही हमने एक बड़ो बैगन ले लियो, आधा किलो का बैगन है हमारा। तुम चाहे तो छोटा वाला भी ले लीजिए, पर ये भरता का बैगन है और खेत में लगे हमारा। तो आज मैं हमारी मम्मी का घर गई थी तो मम्मी ने बैगन का भरता बनाया। तो हमारी मम्मी का हाथ को बैगन का भरता मेरे को बहुत पसंद है, तो मैं इनकी मम्मी आज तो बैगन को भरता बनेगा भाभी चूल्हा पे। तो इसलिए हमारी मम्मी ने कही करे, ये गोबरी का कंडा आए नी, इको कई बोले गोबरी, और हमारे यहाँ तो कंडा बोले पर मेरे को नहीं मालूम तुम्हारे उधर कई बोले। उमें हमने अच्छा अंगारा कर लिया, और वह एक बैगन हमने उसको थोड़ा सा टेचा करके इको भुनने के लिए डाल दिया। चार पांच टमाटर डाल दिया और दो आलू हमने डाल दिया। आलू हमारा उग गया था तो हमने काट लिया, लेकिन भुनने के बाद में इनको धोएंगा जब निकल जाएगी इनकी राख। इनको भुनने देंगे, इनकी छेड़छाड़ कहीं नहीं करेंगे। चार पाँच मिनट के बाद में ये अपने आप भुन जाएगा, और छेड़छाड़ कहीं नहीं करना ये की, और अच्छे से भुन जाएगा ये। और भुन गए पाँच छः मिनट के बाद हमने निकाल भी लिया, और ये टमाटर भी पक गए, बैगन भी, आलू भी सब। तो इनको हम अच्छे से पानी से धो लेंगे, और पानी से धोना ज़रूरी क्योंकि इनमें राख चिपकी है, या देखियो है नी। तो जब इनमें चूल्हा पे बनाए तो इनको पानी से धोना ज़रूरी है, लेकिन अगर तुम गैस पे बनाए इनको तेल वगैरह लगा के तो चमड़ी चमड़ी निकाल लीजिए, लेकिन धोने से ही यह साफ़ हो जाएगी राख। और यह गोबरी के कंडा से भुनेल है तो बहुत हेल्दी है। और हमारी मम्मी ने इनको धो लियो है बैगन का भरता को, बैगन को तो भरता बनाएंगे झटपट से। तो मम्मी ने पानी में रखी है अब, जब तक दूसरों काम कर ले। और यह वीडियो ने बिट्टू शूट कर रही है, और बैगन को भरता हमारी मम्मी बना रही है। तो वीडियो को फुली वॉच कर जो दोस्तों, क्यों माँ का हाथ का स्वाद तो बड़ो टेस्टी रहे और गजब को रहे। और ये मम्मी ने कही करी हो, दो चार लाल मिर्ची, दो तीन एक चार हरी मिर्ची ले ली। कह रही हरी मिर्ची और लाल मिर्ची को दोई को अलग अलग स्वाद आएगा, तो मैं दोई ले लूँ इसके। और इमें ज़्यादा कई सामान नहीं डालेंगे, मैं एक दो सामान डालेंगा। और हमारा मम्मी का तरीका से ही हो बैगन को भर तो बने वो। तो चलिए भैया, हमारी मम्मी ने मिर्ची धो के नहीं और इमें खड़र पर रखी है, फरसी है मसालों पीसना की, और सिलबट्टो और सिलबट्टा पे रख लिया है। और अब जा रही बैगन टमाटर इनको छिलका निकालने हैं, इनकी इनकी स्किन बोले नहीं तुम, स्किन निकालने, चमड़ी निकालने। तो एक निकाल लेगी ऐसे सारा को साफ करके ले आएगी। ये देखिए ऐसे निकालना, ये अच्छे से भुन जाए, कोई दिक्कत नहीं। इतना टेस्टी लगे कि कई बताऊँ तुमको दोस्तों, ये सबको पसंद आ। जब हर घर बनियो था तो सबने खा लियो, हमारे भाई का लिए लुका के रखे थे तो वो भी खा लियो, चोरी से लुकाया था कि एक ने नहीं खाया के लिए रख दो, तो बेचारा को वो पत्ती नहीं आया, तो टेस्टी लगे। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अपने रिश्तेदार को हमारी वीडियो शेयर कर दीजिए। चैनल पे नया हो तो चैनल को नया मत रहने दीजिए, पुराना कर दीजिए, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये देखिए बैगन की स्किन भी अच्छे से निकाल ली हमने, और इमें से हम ऐसे करके देखेंगे कि इमें अंदर इल्ली वगैरह कीड़ा वगैरह तो नहीं रही है, देखा ऐसे करके है नी। अभी हमारे बैगन अच्छा है साफ एकदम। तो चलो अब हम चला सिलबट्टा की ओर। तो सिलबट्टा पर हमने मिर्ची रख ली है, जीरो ले लियो हमने एक छोटी चम्मच, और इमें तुम्हारो जो जो पसंद है मसालो सूखो खड़ो वो मसालो ले सके, लेकिन हमारे गाँव देहात में हमारी मम्मी तो झटपट से बनाए। और इको लेगी अब इमें कहना से थोड़ा सा हम आमचूर पाउडर है, और ये घर को पिसेल गरम मसाला वगैरह ये खड़ो मसालो पिसेल है वो एक चम्मच लियो है, और नमक टेस्ट का अकॉर्डिंग लियो है, और बस इको हम पीस लेंगे थोड़ा सा पानी छिड़क के। तो यह सिलबट्टा में पीसने से गाँव को एकदम टेस्ट आ जा है, और गजब को टेस्ट आए। गांव देहात में सिलबट्टा से पीसे, क्यों मिक्सर मिक्सर तो कहीं रहे नहीं, और मम्मी तो जब भी भरता बनाए नहीं बैगन को,
तो बस सिलबट्टा में ही पीसे, क्योंकि सिलबट्टा को पीसे भरता को टेस्ट अगल ही आए और मिक्सर वाला टेस्ट अलग आए। तो ये हेल्दी भी है और गुणकारी भी है वैसे। तो हमारे मम्मी ने मिर्ची इर्ची सारी पीस ली है, और तुम्हारे बनाते में लहसुन लहसुन भी खास खाए तो डाल लीजिए, लेकिन हमारे घर लहसुन प्याज में पापा नहीं खाए, तो हमने बेसिज बनाए बगैर लहसुन प्याज को। और बस कोई कोई को बघार के भी खाए, तुम तड़को लगा के भी खाए जो भले। और ये चटनी है हरी चटनी, हरी धनिया उको भी डाल ली तोड़ के, और बहुत ही मज़े को बैगन को भरता बने था दोस्तों। इसका बनाने का जो तरीका है वो एकदम हेल्दी बनाए रखे शरीर को, ऐसा तरीका है यो। और देखो हमारी मम्मी ने चटनी भी मिस पीस लिए वो कसलबट्टा में, और ये तैयार हो गए मसाला बैगन को। और ये देखो तुमको जितनी बारीक मोटी रखना उतनी रख लीजिए, लेकिन हम थोड़ी सी मोटी ही रखेंगे, खूब बारीक नहीं रखेंगे, दिखना भी तो चाहिए। जो थोड़ी मोटी रहे उसमें लुक बहुत अच्छा आए बैगन का भरता। तो मसाला पीस गए हम मम्मी को, बैगन लिए उन्हें, टमाटर आलू लिए, ये देखो आलू, आलू से नहीं गजब को टेस्ट आए। एक बार आलू भी जब भी बैगन बनाए तो आलू डाल के देख जो, एक भुना हुआ आलू बहुत ही गजब को टेस्ट आए। तो दोस्त टमाटर भी रख लिया हमने, और इनको भी अच्छे से मिस लेंगे बारीक सा, एकदम बारीक मिस लेंगे हम। और मिक्सर में हो तो मिक्सर में भी बना लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन निकाल लियो हम मम्मी नगल मिस मुसा के, ये देखिए कितना अच्छा बन गया है नहीं, मिक्स कर ले रही अच्छे से। और ये मैं और हरी धनिया डाल लीजिए, अमचूर डाल लीजिए, भले कहीं भी डाल लीजिए, लेकिन ये बेसी हमने बनाया दो तीन मसाला से। और बस तैयार है चटपटो सो हेल्दी और जल्दी से बनने वाला बैगन का भरता। इको पराठा पूरी बाटी या लिट्टी का साथ भी खा जो, बहुत टेस्टी लगे दोस्तों। आज तो हमने लिट्टी नहीं बनाई है, रोटी खाएंगा, रोटी बनाई रोटी से ही खाएंगा। और ये झटपट से बन के बैगन को भर तो तैयार है। तो दाल भी बनी थी हमारे घर, लेकिन दाल कोई ने नहीं खाई, बैगन को भरते ही भरते खाए सबने, नहीं माने तो तुम देखो सबके थाली में बैगन को भरते ही दिखेगा। ये देखो देख खा रहा नहीं, और इको हमने बनाया खाया है तुम्हारे साथ शेयर करी दोस्त।